हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज हम एयरपोर्ट आए हैं और आज मैं आपको एयरपोर्ट में कुछ इंटरेस्टिंग शूट के बारे में बताऊंगा कि हम किस स्टाइल में एयरपोर्ट में शूट कर सकते हैं। फिलहाल गाइस, आपको अपने माइंड को क्लियर रखना है कि आपको अपने फ्रेम में क्या पोर्ट्रे करना चाहते हो। तो दोस्तों, मैं सारे शॉट वाइड एंगल में लेना पसंद करता हूं और यहां भी हम वाइड एंगल में शॉट लेंगे। फिलहाल हम अभी अपने मोबाइल से शूट करेंगे, OnePlus 8T से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मॉडल को फॉलो अप करेंगे और फिलहाल अभी मैं वाइड एंगल से शूट कर रहा हूं। और गाइज, यहां पे आपका ऑब्जेक्ट क्लियर रहना चाहिए कि आपको क्या चीज़ पोर्ट्रे करनी है। फिलहाल मैं यहां पे मॉडल एंड एनवायरनमेंट दोनों को दिखाना चाहता हूं, इसलिए मैंने वाइड एंगल शॉट लिया है। और यहां पे मैं अभी मॉडल एंड टर्मिनल 2 इन दोनों को दिखाना चाहता हूं, इसलिए मैं यहां पे साइड वॉकिंग कर रहा हूं ताकि ये थोड़ा अच्छे से पोर्ट्रे हो सके, अच्छे से कैप्चर हो सके। एंड हाँ, अब नेक्स्ट सीन पर मैं आपको की एंड कार दिखाना चाहता हूँ, इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि जो आपका एंगल है वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि आपकी कार एंड की दोनों एक ही फ्रेम में आए, और की थोड़ी क्लोज होनी चाहिए, थोड़ी स्लांटेड होनी चाहिए ताकि पीछे थोड़ा बोके इफेक्ट क्रिएट हो सके। तो मैंने कुछ इस तरीके से इसको एडजस्ट किया है फ्रेम को ताकि ये बोके इफेक्ट दे, एंड जब मैं की को प्रेस करूँ देन हमारी कार बोके इफेक्ट से हटते हुए दिखे, जो कि आपको विजुअली दिख पा रहा है। अब गाइज, नेक्स्ट सीन में हम क्या करेंगे, हम मॉडल को कार की तरफ जाते हुए दिखाएंगे। तो हाँ गाइज, ध्यान रखिएगा कि जब आप मॉडल को फॉलो कर रहे हो तब आप उससे थोड़ा डिस्टेंस बना के रखें और कुछ इस तरीके से प्रेजेंट करना कि जो आपका मॉडल है और जो आपका सब्जेक्ट है वो दोनों एक सिंगल फ्रेम में आ जाए और थोड़ा बहुत अट्रैक्टिव कैप्चर हो जाए। तो मैंने कुछ ऐसा किया है कि मॉडल एंड सब्जेक्ट दोनों एक फ्रेम में आ गए हैं। और हाँ गाइज, जब आप वॉक करें तब आप ध्यान रखिएगा कि आपकी फुटेज ज़्यादा शेक ना हो, अगर शेक होगी तो जो हमारी कैप्चर मूवमेंट होगी वो थोड़ी बहुत शेकी नजर आएगी, तो उसके ऊपर भी ध्यान रखिएगा। और अगर आपकी फुटेज थोड़ी बहुत शेक भी हो तो चिंता मत करिएगा, क्योंकि गाइज हमारे पास एक टेक्निक है प्रीमियम प्रो में जिसे हम कहते हैं वार्प स्टेबलाइजेशन, हम उसके थ्रू थोड़ा उस फुटेज को स्टेबल भी कर सकते हैं। सो ज़्यादा घबराइएगा मत। सो गाइज, अब दिखाते हैं आपको फाइनल आउट। We'll be right back.